यह है अपना तीसरा पड़ाव और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पानी है थोड़ा सा, तो गाड़ी को ऐसे उठा के पार कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अभी फुल रेडी हो चुका हूं और आज मैं जाने वाला हूं बहुत ही खास जगह जो यहां से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है, और जगह का नाम है तुलार गुफा, जो आपको अबुझमाड़ के जंगलों में मिलेगा। मतलब जो जगह है वो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन हमको बारसूर से होके जाना पड़ेगा। और बाकी उसके बारे में जो जानकारी है मैं आपको रास्ते पे दूंगा। फुल ऑफ रोडिंग होने वाला है, तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी पहले अपने दोस्त के पास जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ दो ही लोग जा रहे हैं, वैसे फुल एडवेंचर होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए निकलता हूँ मैं यहाँ से। मैं अभी पहुंच चुका हूं सात धार, और यहां पहुंचने में हम लोग को लगभग 2 से 2.5 घंटे लग चुका है। और मेरे साथ है ये कुंडू, बोले तो तरुण, और भी रास्ते पे हम लोग को दो सर भी मिल गए, तो और जाने में अपने को और मज़ा आएगा, क्योंकि दो से ज़्यादा अच्छा है कि चार लोग हैं अब हम लोग। और ये है यहाँ पे इंद्रावती नदी, और यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू होगा, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहीं से होकर हमको जाना है। और बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे, और यहाँ के बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहले भी मेरा बचपन ही बारसूर में बीता है। और इस साइड से मैं आपको नदी का हिस्सा दिखाता हूँ, तो अभी पानी तो बहुत कम है। और जो बोधघाट परियोजना के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जो डैम बनने का था वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, उस लोकेशन पे जस्ट सामने कुछ दीवार उठा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का।
ये हमारे सर लोग भी पहुंच चुके हैं और अब हम लोग निकलते हैं। यहाँ से शुरू होगा हम लोग का ऑफ रोडिंग, तो चलिए चलते हैं जल्दी से यहाँ से। यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट कच्ची सड़क पे और सीधे रोड निकल जाएगी नारायणपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब लेफ्ट, और ये पूरा अब कच्ची सड़क है, अब हमको पूरा ऐसे ही चलना है। अभी अपना फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये मस्त था। पहले से अच्छा सुविधा है, पहले हमको पानी से पार करना पड़ता था। और ये है इंद्रावती की एक और सहायक नदी जो अबुझमाड़ की पहाड़ियों से आ रही है। तो अभी तो और भी रास्ता बाकी है, तो चलिए चलते हैं और आगे और सफ़र एंजॉय करते हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या पड़ाव आने वाला है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड रिवर क्रॉसिंग में, और यहाँ का जो पार करने का है ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं कैसे पार करेंगे, लेकिन पार तो करना है, क्योंकि अगर यहाँ से पार नहीं करते तो यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो सभी तो पार कर रहे हैं, पार तो हो ही जाएंगे। और यहाँ पर अगर आना है तो आपको शिवरात्रि के दिन ही आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे, नहीं तो ऐसे दिन में आते हैं तो आप लोग यहाँ अकेले पड़ जाएंगे। और अगर आपको सिंगल आना है तो किसी गांव वाले को लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है तो कोई ऑप्शन नहीं है धक्का मारने के अलावा। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमको कहाँ से पार करना है। कुछ ऐसा है यहाँ का लोकेशन, देखिए पार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन पार हो जाएगी बाइक। बाकी जो बड़ी गाड़ी है वो वहीं तक आती है, यहाँ से उसको आगे जाना मुश्किल है। बाकी ट्रैक्टर पे आप आ सकते हैं, ट्रैक्टर कहीं भी जा सकती है। तो चलिए चलते हैं, पार करते हैं इसको भी। लेकिन पार करने से पहले अपने जो साथ में सर लोग हैं उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि साथ में पार करेंगे थोड़ा धक्का भी देना पड़ सकता है। ब्लॉग में बने रहिए, दिखाता हूँ आगे का और रास्ता कैसा है, इतना ही है या इससे ज़्यादा मुश्किल है आगे जाके पता चलेगा। तो
सर कहाँ चले गए, वो आगे चल दिए। अच्छा इस रोड पे ले आए हो? अच्छा ठीक है, अपने लोग उधर से निकलवाते हैं, यहाँ पे लाके रोक दो, फिर ऐसे निकल जाएंगे, नहीं तो आगे आप भी फंसोगे हम लोग भी फंसेंगे। हाँ डलेगा डलेगा, और जूता उतार के क्या बाद में अच्छा नहीं लगेगा आपको पहनने में, अच्छा कि उतार के चलो। पानी के अंदर आसानी से पार होगा, बढ़िया है, लेकिन पानी से पहले का जो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उतना गहरा नहीं। इससे भी वो है और नाला है क्या? ये अपनी गाड़ी होने वाली है बाहर, गाड़ी बंद हो गया क्या? नहीं हुआ है ना, बंद नहीं करना। ये अपनी गाड़ी पार होने वाली है, जूता भीग जाए फिर मैं ऊपर ऊपर आ रहा हूँ। फाइनली अपना सेकंड रिवर क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुका है और पार किया है कुंडू, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, और इसके आगे इससे भी ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम आने वाला है ऐसा बता रहे हैं। चलिए चल के देखते हैं आगे कैसा है क्या है, तो चलिए चलते आगे का सफ़र पूरा करते हैं, क्योंकि जल्दी से पहुँचना भी है अपने को मंदिर और रिटर्न भी होना है, तो निकलते हैं अब यहाँ से। यह है अपना तीसरा पड़ाव और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पानी है थोड़ा सा, तो गाड़ी को ऐसे उठा के पार कर रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ जूता छोड़ के आता हूँ पहले, और उसके बाद फिर गाड़ी लेने आऊँगा, और बाकी सर लोग भी नहीं आए हैं तो उसकी वजह से मैं उनके साथ ही पार करेंगे, क्योंकि साथ में चलना है अपने को। तो चलिए जूता रख के आते हैं सामने से। छोड़ने जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ गाड़ी लेने। रुको रुक जी,
एक जने के बीच में खड़े रहने से ठीक है, वहीं पे ही स्पीड करना पड़ेगा। गाड़ी बंद नहीं हुआ है ना? लगा लगा पावर लगा लगा लगा, धक्का दो पीछे, धक्का दो। ज्यादा गहरा है उधर, गाड़ी पार हो चुकी है और सर लोगों की बारी, वेट कर रहे हैं उन्हीं का। और यहाँ पे थोड़ा बीच में पानी थोड़ा ज़्यादा है, साइलेंसर डूब रहा है जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी इसके बाद अब शायद एक भी नहीं है और थोड़ा ही दूर बचा है फिलहाल गुफा, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और देखिए सब लगे हैं गाड़ी पार करने में, तो बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, सभी को एडवेंचर पसंद है तो उसके हिसाब से आना तो बनता है। ये अपने सर की गाड़ी भी पार हो रही है अब, और इसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे आगे। ढलान में था करके हम लोगों का अभी पूरा नदी नाला पार करना हो गया है और बस अब तुलार पहुंचने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं क्योंकि अपने सर लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग वेट करते हैं आगे जाके। फिर भी अब बस पहुंच ही गए, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं। एक ही गाड़ी, दो गाड़ी का। हाँ उठा दो। तो यहाँ पे नाका लगा हुआ है और 50 रुपीस है, तो पकड़ मोबाइल और यहाँ से आप बचा है 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, इनका कभी कमाई नहीं है, एक ही बार तो शिवरात्रि में पहला ही कमाई तो है, और कौन आएगा इधर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुलार गुफा और गाड़ी वाड़ी सब पार्क हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे है बस, अब यहाँ से हमने आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ दूर चलना है बस। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, और पहले पीने का पानी हमको लेना पड़ेगा और उसके बाद करेंगे
शिव जी के दर्शन। तो चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। शुभम भाई बोले थे ये रहा सामने गुफा। और चलिए अब जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि वापस भी होना है, और यहाँ से वापस होने में हम लोगों को फिर से 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। फिर भी देखते हैं अब दर्शन में कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं बता सकते क्योंकि भीड़ भी है। और यहाँ आसपास में कुछ कुछ छोटी मोटी सुविधाएं भी हैं, आपको नाश्ता या पानी वानी सब मिल जाएगा। और यहाँ आने का विशेष दिन ही है शिवरात्रि, बाकी टाइम अब यहाँ आप आ नहीं सकते। तो चलिए चलता हूँ और आपको शिव जी के दर्शन कराता हूँ। चलेंगे ऊपर। इस जगह में देखिए ये पानी जो टपक रहा है आ रहा है, जो पहाड़ के ऊपर से आ रहा है रिस्के, और बहुत ही साफ पानी है ये, और इसको पी सकते हैं। और सभी यहाँ बॉटल में पानी भर के ले जाते हैं, हम लोग भी भरते हैं यहाँ से पानी और उसके बाद जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये पूरा कंटिन्यू पानी गिरता है, आगे भी पूरा गिर रहा है पानी पत्थरों से रिस कर, और बहुत ही साफ पानी है। ये है तलार गुफा का शिवलिंग जिसमें लगातार पानी पत्थरों से रिसकर गिरता ही रहता है। ये हम लोग जा रहे हैं अभी गुफा के अंदर, और पूरा धुआं धुआं है। Yeah.
फाइनली अब दर्शन हो चुका है कंप्लीट, और दर्शन के लिए पूरे एक घंटे लग गए, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और अभी बज रहा है 3:30 और अपने को 5 बजे तक पहुंचना है बारसूर। चलिए चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी तक इतना भूख लगा हुआ है, कुछ मिल जाए, जो भी मिले बस खाना ही है। और रास्ता तो आप देख ही चुके हैं कि कैसा है, तो जाने में भी तो बहुत वक्त लगेगा। दूर तो नहीं है पर कठिन बहुत ज़्यादा है, तो चलिए अब निकलता हूँ मैं नाश्ता वास्ता करके। तो बाकी आपको जगह कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और ये अबूझमाड़ के घने जंगलों पे है, और यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। आज जैसे शिवरात्रि है तो भीड़ है यहाँ पे, बाकी दिन आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का। अब हमारा ऑफ रोडिंग हो चुका है ख़त्म, और फिर से हम लोग सातधार पहुँच चुके हैं, और यहाँ से पूरा पक्की सड़क है, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। और अभी हम लोग कुछ शॉर्टकट से आए तो हम लोग को ज़्यादा रिवर क्रॉसिंग भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2 जगह की है, और जाते समय हम लोगों को 4 जगह करना पड़ा था क्योंकि रास्ता कुछ पता नहीं था। तो अब यहाँ से निकलते हैं, शाम का टाइम है, और पहुँचते हमारा घर पहुँचते 7 या 7:30 हो जाएगा। तो चलिए निकलते हैं क्योंकि बहुत थक भी चुके हैं, पहले बारसूर जाके कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। तो अभी यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही प्यारा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब यहाँ का व्यू, और फिर उसके बाद निकलता हूँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं बारसूर से जगदलपुर के लिए, और 7 बज चुका है, अभी अंधेरा भी हो चुका है। तो अभी हम लोग को यहाँ से जगदलपुर पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं सीधे अब अपने घर में। अभी बज रहा है 9:00 और मेरे आए बस 15 मिनट ही हुआ है, और बहुत ही थकाने वाला सफ़र था। मज़ा तो आया लेकिन बहुत थक चुके हैं, बस अभी हाथ मुँह भी धो चुका हूँ, और खाना खाने के बाद सीधे सो जाना है क्योंकि बहुत लंबा भी था आना जाना 200 किलोमीटर, पर वो 200 किलोमीटर तो ऐसा लगा कि मैं 400 किलोमीटर गाड़ी चला, क्योंकि जो लास्ट 28 किलोमीटर का जो सफ़र था ऑफ रोडिंग, वो बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, पूरा शरीर थक गया उसकी वजह से। और आते समय हम लोग को समझ ही नहीं आया, हम लोग रास्ता भट गया, भटक के और शॉर्टकट भी पहुंच गए, जहां 3 बार हम लोग रिवर क्रॉसिंग किए थे वो 1 बार में काम बन गया, वो पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग रास्ता शायद दूसरे रास्ते से निकल गए, तो जैसा भी था किस्मत अच्छा था। अब मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पर एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।